देश में बॉर्डर पर जितने भी आदमी शहीद होते हैं उन हर जाति बिरादरी और धर्म के आदमी का मैं सम्मान करता हूं। 43% राजस्थान के हैं और जितने राजस्थान के हैं उसमें से 48% सिर्फ राजपूत हैं। देश के लिए मर रहे हैं, जाति बिरादरी का काम नहीं है वहां पर, अपने देश के लिए मर मिट रहे हैं 10-20-25 हजार रुपए की उसमें। हम तो वो लोग हैं पर दिखाया ऐसा जाता है कि वो सिर काट लाएंगे और कान काट लाएंगे, पूंछ काट लाएंगे, सींग काट लाएंगे। अब ये सींग पूंछ कान किसने काटे हैं बंसाली के? ये जो पैसा देखकर जिनको नचवा देता है उन्होंने ही तो काटे हैं हाथ पैर कान टांग क्या क्या काटे हैं। 1 तारीख हमने पोस्टपोन कर दी है। अरे तुम तो ऐसे नहीं थे, ये तो जनता का दबाव है और सरकार की तरफ से कोई इशारा है जिसके कारण तुम 1 तारीख की जगह 101 तारीख को प्रदर्शित करोगे ये फिल्म। मैं उस 101 तारीख का फिर इंतजार करूंगा। 1 तारीख मुअत्तिल कर दी है, भारत बंद हम नहीं कर रहे, पर अगर 101 तारीख को भी अगर फिल्म आ रही है तो इस बीच बाजार में पूरी 36 कौम सारे जाति धर्म की संस्थाओं के साथ में फिर खड़ा मिलूंगा। क्या हो गया ये, क्यों हो रहा है ये? और इसलिए बात चलती है कि इतिहासकार ये जो फिल्म बनाने वाले हैं ये बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं। मुझे जानकारी कम है, मैं तो मानता हूं ये इतिहास जो कोई व्यक्ति नहीं है ये बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने सिर कटाए थे। 16 हजार स्त्रियां जान न्योछावर कर गई थी कि अलाउद्दीन जैसा कोई हाथ लगाना तो दूर देख तक न सके, नहीं फांसी खा के भी मर लेते, कोई जहर खा के भी जा सकती थी ना। 16 हजार कोई कोयला हाथ में लेके दिखा दे, 16 हजार स्त्रियां मर मिटी, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर जो वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं क्या वो यो मजाक के तौर पर गए हैं? आज इस मुकाम पे पहुंच गए कि वो कालवी को हम बम से उड़ा देंगे। अभी डीजी आईजी साहब का फोन था, अरे कालवी जी आप बहुत सीरियस, देखिए ये मामला। एक फोन तो वहां से है जहां पर इंडिया के मोस्ट वांटेड आदमी को हम ढूंढ रहे हैं कराची से, दाऊद को, उस एरिया से है। उसके घर से है कि नहीं है ये तो मेरे को पता नहीं है, पर उस एरिया से है ये तो ट्रेस आउट कर लिया। क्यों हम कालवी को बम से उड़ा देंगे? अरे इतने सारे लोग अगर इकट्ठे होकर जिस तरह से इस पद्मावती पर इकट्ठे हो रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर अगर फूंक भी मारेंगे तो पाकिस्तान को नक्शे से उठा देंगे दुनिया के। क्यों इस तरह से करा जाता है और इसके होने देने का कारण हम हैं। हमने 2-2.5 की कहानी उसको चुप रहकर स्वीकृति दे दी। आज देश के प्रधानमंत्री जी चिंतित होंगे, तयशुदा होंगे, बयान उनका नहीं आया होगा, पर इस 1 तारीख को टलने में उनकी कुछ हिस्सेदारी होगी। प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान ही है, इस हिंदुस्तान में इस तरह की भावनाओं को, इस जनता की भावनाओं को आप दरकिनार करके दरकिनार नहीं करेंगे ये मेरा पक्का विश्वास है। इस फिल्म को इस हिंदुस्तान के लिए बंद करा जाए। मुझसे पूछा था कल, मुंबई से ही आया हूं अभी मैं, कालवी जी क्या बात हो गई, कोई रास्ता निकल गया? हम इनका बिल्कुल अब रास्ता निकल गया, 1 तारीख को आगे बढ़ा लिया गया। उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा लिया होगा, चलो मान लेते हैं उन्होंने अपनी मर्जी से बढ़ा लिया। 4 राज्यों ने अपने अपने राज्य में इस फिल्म के फिल्मांकन को रोक दिया। 4 के 14 कर दूंगा जब भी अगली तारीख आएगी उस दिन तक। अभी अगले 2 दिनों में 3 मुख्यमंत्रियों से हाजिरी लगाने जा रहा हूं और इस चीज को लेकर कि अब ये फिल्म किसी सूरत में नहीं चले तो फिर आपने इलाज क्या ढूंढा है? मैंने कहा मेरे पास है इलाज, मैंने ढूंढा है कल मुंबई में बैठकर। मैंने कहा पहले रील हुआ करती थी एक बड़ी सी जिसका अभी भी कहानी चलती है, अब तो सैटेलाइट से आती है फिल्में, अब तो रीले मिले नहीं आती है, पर एक रील होती थी, उस रील में बंद करा जाए पद्मावती को और जौहर की ज्वाला में फेंक दिया जाए, नहीं तो ये जौहर की ज्वाला बहुत कुछ जला देगी। रोको तो रोको इसको। कालवी जी आपने फिल्म देखी है कि नहीं देखी है अभी तक? जरूरत अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप क्यों? जिन्होंने देखी है उन्होंने क्या कर लिया है, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो सकता है,
कैसे वो इस तरह का बयान प्रचार कर सकते हैं। हमें तो एक बहुत छोटा सा स्पष्टीकरण चाहिए था रणवीर सिंह ने जब बयान दिया था, और अब जो उसके अब जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। मैं तो कह रहा हूं दाल ही काली है, काला वाला दाल में नहीं है, दाल ही काली है। अगर जिन्होंने फिल्म देखी है जो बहुत ढोल बजा रहे हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर दैट, वो उसमें सक्षम अधिकारी नहीं है, देख सकता है, एक अलग बात है, पर उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो सकता है आर्टिकल सिनेमेटोग्राफी का आर्टिकल 5 सेक्शन सब सेक्शन E2 क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। मेरी मांग नहीं है, ये तो जो इसमें लिखा हुआ है और सेंसर बोर्ड जाने, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। हम पर आरोप लगता है कि आप कोई सुपर सेंसर हैं, तो ये ढोल बजा रहे हैं जो ये सुपर सेंसर है। और इसलिए देखिए, जब मैं कहता हूं कि शब्दों पर नहीं भावों पर जाया जाए, हमने कितने कान नाक आंख सींग पूंछ काट दिए, बंसाली का नाक कान काटा है ना अभी, मैं यही कह रहा हूं उसके भाव उसका व्यवहार रेगुलर ऑफेंडर है। क्या करा उसने बाजीराव मस्तानी में, बाजीराव जैसा एक लड़ाई नहीं हारा अपनी जिंदगी में, जिसको एक नर्तकी के पीछे शराब पी के घुमाते हुए दिखा दिया। रामलीला में गुजरात में 43 मुकदमे दर्ज हैं आज भी हमारे बच्चों के खिलाफ, इसलिए ये लगातार इस तरीके से गड़बड़ करने वाला व्यक्ति है। ये तो राजस्थान में आ गया, उल्टा पड़ गया, उसको ये अंदाज नहीं था, उसने देखा कि पीआर बढ़ा लो, इसकी टीआरपी बढ़ा लो, हमने बढ़ा दी। बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने टीआरपी बढ़ा दी इस फिल्म की। अगर उस टीआरपी में अगर चांदी का जूता अगर 100 गुना नहीं लगाया, फिर चांदी के जूते को आप कहीं लेके मत उड़ लेना, वो फिर जूते मार रहे हैं कालवी जी। हाँ, मेरा तो वैसे ही 14 नंबर का है ना, वो दिखा। देखिए भाई, इस तरह के इस हाइपोथेटिकल प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना तो वो दिखाना चाहता है, और जब चाहता ही नहीं है तो हम किसकी देख ले। इस सवाल का जवाब जिस दिन आएगा उस दिन आपके पास आपके सामने आएगा। मैं नहीं देखता हूं, ना हमारी संस्था देखती है। हमारे पास में एक पैनल है जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, 5 इतिहासकार हैं, 5 इतिहासकार वो जो आज भी पढ़ा रहे हैं, 20 साल उन्होंने पढ़ा और 30 साल से पढ़ाई करवा रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अग्रवाल कॉलेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऐसे यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रहे हुए चेयरमैन जो इतिहास के प्रोफेसर थे, ऐसे ऐसे लोग हमारे पैनल में हैं, दिखाएं तो उनको दिखाएं। हम कब क्लेम कर रहे हैं, 4 पत्रकारों को भी हमने पैनल में ले रखा है। ये लोग देखें, ये तय करें कि भाई ये फिल्म लगने लायक है या नहीं है। अभी तक तो बंसाली तय नहीं कर पाया कि ये फिक्शनल है या हिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जो मैंने मनाई है उसको अगर हिस्ट्री लिख दूंगा तो उसमें बहुत तोड़ मरोड़ है, और अगर फिक्शन लिख दूंगा तो फिर जिस बात के पिछले 1.5 साल से झगड़ा है, ये पद्मावती क्यों है, ये लीलावती या हीरावती क्यों नहीं है, कुछ आनंद लेना है, कुछ पीआर बढ़ानी है, कुछ टीआरपी बढ़ानी है, इसके लिए ये सारा नाटक है। और उसको अगर चांदी का जूता नहीं मारा तो मैं 37वीं पीढ़ी का होने का फिर क्या मेरे सिर पर ले सकता हूं, फिर तो मेरा मरने लायक स्थिति है कि साहब हम किस बात के फिर उस बात का गौरव गाते हैं कि हमारे बुजुर्ग वो थे, मर मिटे थे इस देश के लिए, उनके लिए हम रो भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, 10 महीने पहले 30 जनवरी को पत्र लिखने के बाद एक बार बंसाली नहीं, उसके किसी आदमी ने SLB का बनकर, या होगा शायद SLB का होगा, मैं जो 10-5 लोगों को जिनसे जो लोग भाई महिपाल मकराना के सामने चढ़ गए थे, वो लोगों में से किसी का फोन नहीं था, उन्होंने मेरे को कहा था कि फिल्म दिखाना चाहता है SLB ग्रुप, मैं सेंसर बोर्ड से पास करवा ले, क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास होए बिना जहां पर एक फिल्म की कॉपी सबमिट होती है उसमें बदलाव फिर नहीं किया जा सकता, उसके बिना अगर वो हमको दिखाकर अगर उसमें 50% तक अगर बदलाव कर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम तो हमारी तरफ से NOC दे चुके होंगे, फिर पिक्चर में आएगी ABCD XYZ नहीं XYZ ABCD, उसका मालिक कौन होगा? मैं तो
ये सवाल उछाल रहा हूं जिन चैनल वालों ने दिखाया है, उसमें कुछ तो अब बोलने लग गए कि हमने देखी है और अगर ऐसी ही दिखाई जाए तो वहां किंतु परंतु लगाने लगे। पर अगर किंतु परंतु नहीं लगाएं और वो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करें तो सीधा सीधा क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है, पर अगर वो गड़बड़ हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वन बाई अभी एक सीधा सा जिसका उत्तर अभी तक नहीं आया है, 28 जुलाई 2016 को रणवीर सिंह ने, आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा होगा, उसका जवाब बहुत बड़े अखबारों में शायद देखिए उनमें कोई इस तरह के सीन की व्याख्या नहीं की गई है कि अलाउद्दीन कौन, पद्मावती कौन, पद्मावती अलाउद्दीन की प्रेमिका, नहीं तो जब हम नहीं थे उससे पहले भी अगर कुछ हुआ होता तो वहां पर विरोध जरूर होता। तो सर आप बोल रहे हैं कि जो पद्मावती और खिलजी के बीच में प्यार दिखाया उससे आपको सबसे ज्यादा सच? बिल्कुल। ये जो चीज थी जो रणवीर सिंह ने कही इसके कारण है, नहीं तो एक बयान ही आना चाहिए था कि साहब रणवीर सिंह ने जो कहा एक बचकानी हरकत है, उनकी पर्सनल रेपो है, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच में नहीं है। इतने से स्पष्टीकरण को हम मान लेते उस दिन, अब किसी स्पष्टीकरण को जिस तरह से 1.5 साल से धोखा दिया जा रहा है, हम किसी स्पष्ट उनके द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण को मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं देखिए मेरे जो प्रवक्ता हैं, एक मेरे प्रवक्ता हैं, उनके पास में आज के 6 दिन पहले एक फोन आया और 5 दिन पहले फिर 2 फोन आए। वो जो 2 फोन हैं वो अभी तक ट्रेस किए जा रहे हैं, कहां से थे, क्या थे, उनकी लोकेशन वास्तविकता क्या है। एक फोन ट्रेस हुआ कराची से और उसी क्षेत्र के आसपास दाऊद का ठिकाना है, उसके घर से आया वो मैं नहीं क्लेम करता, उसी के आसपास वाले एरिया से आया। और जब मैंने ये बात उठाई थी जो मेरे पिता के साथ में मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी उठाई कि ये पैसा नोटबंदी के दरमियान में, उसके 15 दिन पहले तो फिल्म शुरू हुई है, और नोटबंदी के दरमियान में पूरे 6 महीने में 150 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, पर वो उस समय फिल्म पूरी होती है जब नोटबंदी का प्रोसेस था, और उस दरमियान में वो तयशुदा पैसा, ये रोज का नाटक है, मुसलमान राजा हो और हिंदू रानी, ये रोज का कहानी है, रोज की कहानी है, कहानी में कोई बदलाव नहीं है। क्या अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा नहीं थी जिसको प्यार हो गया था जालौर के महाराज कुमार वीरमदेव से? अलाउद्दीन ने कहा शादी कर, उसने कहा तुर्कानी से शादी नहीं करूंगा, वीरमदेव का सिर काट लिया गया और फिरोजा यमुना में सती हो गई उस सिर के साथ में। क्या ये स्टोरी नहीं है? क्या ये कहानी नहीं है? ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है, पर इस पर पैसा नहीं लगाएगा क्योंकि पैसा वहां से आएगा जहां पर मेरे को फोन आ रहा है। कालवी जी को बम से उड़ा दूंगा, अरे बहुत बड़े मूर्ख हैं इस तरह से धमकी देने वाले। आज जिस तरह से इस पद्मावती पर बवंडर मच रहा है, ये बहुत संकटपूर्ण स्थिति आ जाएगी। इस तरह के बड़बोले बोल ही तो इस सारी कहानी में आग में घी का काम कर रहे हैं। फिल्म लग के रहेगी, कौन है ये कहने वाली, कौन है जी? देखिए पर्दे पर अभी बाहुबली आई, राजपूतों से संबंधित थी, हमें ऐतराज हुआ नहीं हुआ। करणी सेना बनने के बाद दूसरी फिल्म है जोधा अकबर और पद्मावती। जोधा अकबर की कोई पत्नी नहीं थी और पद्मावती तो वो तो चरित्र ही नहीं था, और पद्मावती तो इतिहास है। उस दिन भी महाराजा कश्मीर ने मेरे से पूछा था कि लेकिन गड़बड़ क्या है जोधा अकबर में, और मैंने जवाब दिया था मालिक जोधपुर से कोई भी बेटी अकबर की पत्नी नहीं थी, राजपूत बेटी थी, जहांगीर की मां राजपूत की ही बेटी थी कहीं जोधपुर से नहीं थी। कल उदय कौन लगा दोगे, कल महाराणा प्रताप को चौकीदार लगा दोगे कि साहब फिल्म है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरे पास भी है, मैं इस फिल्म से इत्तफाक नहीं रखता। जी आपने भी कहा,
नहीं नहीं देखिए, मैंने अग्री नहीं किया कि सेंसर बोर्ड से पास हुए बिना फिल्म के उसकी सेंटिटी क्या है, उसका औचित्य क्या है। जी पहले पहले वो सेंसर बोर्ड से इजाजत ले ले, उसके बाद में पत्रकारों को भी दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमको भी दिखाएगा तो देखी जाएगी, पर अब देख दिखा के क्या, अब जो देखने वाले जो लोगों को ही मैं तो विनती करता हूं कि वो फिल्म वो नहीं देख पाएंगे, इसके लिए उस तकलीफ में मैं भी, मेरे को भी तकलीफ होगी। नहीं देखिए, मैं तो रणवीर सिंह के बयान को ही कोट कर रहा हूं, मैं तो प्रिजम्पशन के तहत नहीं कर रहा। एक बयान मैं तो आज भी कह रहा हूं, अगर 28 की जगह जब 4 को हम मिलने गए थे, अगर एक इतना सा हो जाता कि आप नहीं, ये बच्चे लोग हैं, नाचते उछलते कूदते रहते हैं, आप इसको इन शब्दों पर नहीं भावों पर जाए, जो मैं आज भी कह रहा हूं कि शब्दों पर नहीं भावों पर जाए, हम पद्मावती और अलाउद्दीन के बीच में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं ले, इतने एक सेक में हम मान लेते हैं, ना लिखने की जरूरत थी, ना तलवारें निकालने की, ना नाक काट लेने की, ना कोई सिर काट लेने की। हम तो चाह रहे हैं ना, मैंने बताया ना, बाहुबली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हमें तो दिक्कत नहीं थी। राजपूत का अच्छा दिखाओ, खूब कमाओ, कहां दिक्कत है। देखिए सौभाग्य से ये काम पिछले 4-5 दिन से बंद हुआ है, जब से चित्तौड़ में जनता कर्फ्यू लगा है। सौभाग्य से जब हमारे वर्जन भी आपके मार्फत से दुनिया में जाने लगे हैं, तो कोई भी तथाकथित प्रगतिशील इतिहासकार, मैंने पूछा था बंसाली से खुद से, जिस दिन वहां जयगढ़ में मिला था बच्चे लोगों से मुलाकात करके, मैंने कहा बंसाली जी आपके माता पिता के बारे में मैं जानकारी नहीं चाहता, और मेरे माता पिता की जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि मैं उन्हीं का वंशज हूं, और इसलिए अब इस तरह की कोई गुस्ताखी में माफी की जगह नहीं होगी। 3 दिन बाद भी उन्होंने लिख के दे दिया, और जो एक इलाज कल मुंबई में पूछा जा रहा था कि इसका इलाज बताइए कैसे रोकी जाए ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ को, सौभाग्य से उस समय हमने एक प्रपोजल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की संस्था जो गिल्ड है उसको दिया था कि इतिहास पर बनने वाली हर फिल्म को प्री सेंसर करवा दिया जाए, जब कोई विवाद खड़ा हो उस समय चेक कर लें। सेंसर बोर्ड फिल्म बनने के बाद पूरा काम करता है, आज अब सेंसर बोर्ड पास करता है, 4 दिन बाद फिल्म लगने वाली है, कैसे रोका जाए उसको। कौन जी राठौर जो है वो तो स्टेटमेंट दे ही रहा है, क्या ये भी दे रहा है, मेरे को पता नहीं, आप बता दें तो अच्छा हो, मेरी जानकारी भी बढ़ेगी। देखिए सरकार माफी मांग, देखिए मान्यवर सरकार माफी मांग चुकी है, जिस बंबई की एक फर्म को आप आरटीडीसी के एक वेबसाइट की बात कर रहे हैं, जिसको मध्यकालीन भारत के समय राजस्थान की स्थिति के लिए डॉक्यूमेंट्री, ये साजिश तब शुरू हुई थी जब ये बंबई में बैठे एक कंपनी को, जिसको ब्लैकलिस्टेड कर दिया, और खुद स्वयं पर्यटन मंत्री ने खेद व्यक्त कर दिया कि भाई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जी जी मैंने ऑप्शन आपको दिया है ना, वो जो पुराने जमाने में जो फिल्म जो बड़ी सी रील बनती थी, उस रील में बंद करके वो जौहर की ज्वाला में फेंक दिया जाए, ये एक ऑप्शन मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं।